नमस्कार, मई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा, आई डालते हैं विदिशा की खास खबरों पर एक नजर। वृद्धजन दिवस पर वृद्धों का सम्मान, 27 मतदाताओं का भी सम्मान। दो युवकों से 320 क्वार्टर अवैध शराब जब्त, ढोलखड़ी के पास की घटना। माँ की झांकियों के दर्शन करने पहुंच रहे भक्त, रोजाना हो रहे धार्मिक आयोजन। मजदूरी मांगने पर मजदूरों की पिटाई, मजदूर पहुंचे कलेक्ट्रेट। विद्यार्थी परिषद ने LBS कॉलेज में की तालाबंदी, पुस्तक खरीदी में घोटाले की आरोप। समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सामाजिक उपसंचालक विभाग ने वृद्धजनों का सम्मान किया, वृद्ध मतदाताओं का सम्मान किया गया। श्री हरि वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मेरी उम्र मेरी कई साल की थी। मतदान केंद्रों पर 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के रूप में हम शुरू से ही मतदान कर रहे हैं। ये हमारी निर्वाचन आयोग युवाओं का देश है, युवाओं की सेना है हमारे वरिष्ठ। निर्वाचन आयोग महोदय ने अपने स्वयं की तरफ से पहल करते हुए आदरणीय वरिष्ठ अरे आप तो जो बढ़ाना घटाना चाहते हो उसको जो सुधार दो। चलो आधे घंटे में कल। आबकारी विभाग ने ढोलखड़ी के पास से मोटरसाइकिल से दो युवकों को अवैध शराब ले जाते पकड़ा है। इन युवकों के पास से 320 क्वार्टर शराब जब्त की गई है। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
मेडिकल काम करो, मेडिकल करा के छोड़ दो आज, कल सुबह खेती खाद क्या बोलते हैं, आज छोड़ दो रात में घर में सुन नहीं सुन। ढोल खेड़ी भिक्षा मार्ग में उदयगिरी तिराहे के पास से दो व्यक्तियों द्वारा एक मोटरसाइकिल पर 320 पावर देसी मजरा प्लेन के परिवहन किए जा रहे थे, उनको नाकाबंदी करके पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया जेल में, दोनों लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM साहब की कोर्ट में पेश किया गया। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है और दोनों व्यक्तियों को 14 अक्टूबर तक की डेट के लिए जेल भेजा गया। नवरात्र के दौरान जहां नगर पाए अनेक जगह झिलमिलाती झांकियां सजाई गई हैं, झांकियों में रोजाना धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, तो वहीं घर घर भी आयोजन चल रहे हैं। महेंद्र सिंह यादव के यहाँ भी माता रानी के भजनों का शानदार
ग्राम दहलवाड़ा खजूरी निवासी रामनारायण और पप्पू मीणा के खेत पर काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी मांगने पर मारपीट का सामना करना पड़ा। यह सभी मजदूर भयभीत होकर थाने की बजाय सीधे कलेक्ट्रेट पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। तुम भाई ऐसी एक साथ हो सब जन दहलवाड़ा खजूरी आज यहाँ के संदर्भ में मजदूरी करी हमने दो दिन तक, उसने कुछ हमारे लिए पैसा नहीं दिए और मारपीट भी करने के लिए तैयार हो गया है। हम औरत थे 18, हमारे संग कोई और नहीं था। हाँ, क्या नाम है उसका? उसका नाम है, एक का नाम, तीन लोग थे भी, इसका नाम है वो एक राम नारायण, दूसरा पप्पू और तीसरा माखन। क्या किया है? मारा था इन्होंने, डंडा ले लेके आए थे मारने के लिए। हाँ, तो लूमा जब कर दी उन्होंने, हम तो औरत हैं, हम क्या कर सकते उनको। फिर आपने थाने में शिकायत नहीं की थी? थाने में हमारी कोई सुनता ही नहीं है, कैसा वाले आदमी है। आप गए थे कि नहीं गए? नहीं गए हम, कैसे ही नहीं गए। जहाँ हमारी कोई वैल्यू वक्त नहीं है, गिरस्त में हमको मार पीट लग जाओ थाने, हम देखते हैं तुम लोगों को, देखते हम लोगों को, हम डरों के मारे नहीं गए हम की रही। आज फिर आप किसके पास आए? आज हम सिर्फ आप कलेक्टर जी में आए हैं। कब की बात है ये? आज ही, अभी आए, आज की है। जितना खाना है ना सब रखें, 9 बजे की बात। दहलवाड़ा खजूरी से। क्या मामला था जो मामला? तो के दो दिन उसने मजदूरी करवा लाई और हमने बोली आज गए के खाना के बाद हमने खाना खा ला, और हमने कही कि भैया जब काटेंगे, जब दो दिन के पैसा दे देगो, तो वो बोलो कि नहीं काटने पड़ेगा तुम्हें,
तो हमने कही हम उधार नहीं काट रहा, गरीब आदमी है। तो माखन बोलो कि नहीं काटने पर होगा। क्या काटने गए? सोयाबीन। तो हमने कही नहीं काटेंगे। कही कैसे नहीं काटोगी? तो दूसरो बोलो, रामलाल बोलो, रामलाल हाँ, तो वो बोलो क्या भाई का पति राम नारायण बोलो कि क्यों नहीं काट रहे, धमकी दई हमें। तो हमने कही भैया पहले के पैसे दे दो, फिर बाद में काटेंगे, उधार थोड़ी काटेंगे गरीब आदमी। तो बोलो नहीं दे रहा है, काटो तुम। तो कितने पैसे चाहिए थे पुराने? पुराने हमारे 2 दिन के 300 के। कितनी महिलाएं हैं आप? 18 महिला। हाँ, पैसे नहीं दिए? पैसे एक नहीं दाओ। फिर अपना शिकायत की थी थाने में संबंधित? नहीं, थाने बारे हमारे कोई सुनता ही नहीं है। बेकर लगे चलो तुम थाने, हम फिर बताएंगे तुम्हें, हमारी मारपीट करी। फिर हम नहीं गए, हम डायरेक्ट तैयार ये तय कलेक्ट्री में शिकायत करने। शिकायत करने। क्या नाम है आपका? तारावा। कहाँ से आई? खजूरी से। क्या मामला था जिला मुख्यालय? देलवाड़ा खजूरी। क्या हो गया आज जिला मुख्यालय? पैसा पैसा हो पड़ी काटो नहीं है, हमने 2 दिन काटे पैसा नहीं दे। तो हमने जा कही के पैसा दे प्यार 2 दिन के चला पूरा काटो, जब पैसा पेमेंट करेंगे। मैंने कही हम गरीब भेंगे तो हमें तो हाल साल जाइए, हमने 2 दिन के रोक लाए। फोन क्या लगा? धनी क्या लगो। और हाँ। क्या कह रहा था? क्या नाम है उनका धनी का? कहाँ के हैं वो? गंज वासदाव में छात्र संघ ने अपनी मांगों को लेकर तालाबंदी कर दी। इस मामले में 3 घंटे तक SDM ने जांच करने की बात कही है। पुस्तक खरीदी में घोटाले का आरोप लगाते हुए परिषद ने प्रदर्शन किया था। भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रमुख 2 मांगें रही हैं, जो वर्ष से 2 ही मांग कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो वित्तीय अनियमितता है उसकी प्रमुख मांग है, जनभागीदारी समिति से जो पुस्तक का गड़बड़ी की तरीके से अपनी पुस्तक खरीदी हुई है, और दूसरी हम लोगों की प्रमुख मांग ये कि जो 5 लाख का गमन हुआ जनभागीदारी से उसकी जाँच की जाए और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और विद्यार्थी परिषद का आरोप है इसका सिर्फ जिम्मेदार कॉलेज के प्राचार्य हैं का, जैसे कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि कुछ दस्तावेज उन्होंने अपने अंतर्गत लिए हैं, अगर इससे संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन जारी रहेगा और इसी प्रकार विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए लड़ती रहेगी। शिकायतें थी उस आधार पर इन लोगों ने कुछ मांग रखी है और उसके तारतम्य में हमने जो है कुछ दस्तावेज जाँच में लिए। तो इनकी क्या ऐसी प्रमुख मांगें थी जिनको लेके इनको तालाबंदी करने की नौबत आई? इन लोगों का कहना था कि साहब यहाँ पर कुछ वित्तीय अनियमितता की इनकी शिकायतें थी कि ऐसी शिकायतें हैं सर, इसकी जांच होना चाहिए। उसके लिए आपने साहब फिर अभी क्या कदम लिया? अभी हमने उस दस्तावेज को अपने दायरे में ले लिया है और इसके लिए हम एक कमेटी बनाकर इसका निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी इस जाँच रिपोर्ट को वरिष्ठ कार्यालय को भेज देंगे। पुरानी नगर पालिका परिसर में महिलाओं के लिए शौचालय का उद्घाटन वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन द्वारा किया गया। यहां पर नगर पालिका ने जन भागीदारी से महिलाओं के लिए सर्व सुविधायुक्त शौचालय की व्यवस्था कराई है। इनके ओर से लाइट फिटिंग कराई गई है। सचिन भैया, सचिन सक्सेना जी अकेले ही आए? आइए सचिन जी। इसके बाद विनय सक्सेना, रघुवंशी जी हमारे साथी, जितेंद्र जी कृपया, अभिनव वर्मा जी, अभिनव जी आइए। कोई मुझे नजर नहीं आ रहे थे, पड़ोसी होकर भी दिख नहीं रहे। अभिनव वर्मा जी की ओर से यहाँ दरवाजों का आइए। अभिनव जी आगे आइए, ताली बजाकर हम सबका इन सबका सम्मान करें। श्रीमती लीला विष्णु नामदेव जी आइए। श्री हमारे अध्यक्ष भी हैं, श्रीमती कीर्ति प्रजापति जी, कीर्ति जी आइए। तेज सिंह जी
तेज सिंह जी। और अब मैं प्रजातंत्र से अनुरोध करूंगा कि श्री अरविंद भाई का भी स्वागत करें, क्योंकि इस कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन दिया और जब ये कार्य शुरू किया गया था तो हमारे अरविंद श्री। कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन पर दोपहिया वाहन पार्किंग पुनः शुरू किए जाने के लिए रेलवे अपडाउनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश सेन के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा और सच्ची खबरों के लिए हर पल हर दम मई न्यूज आपके साथ है। अब दीजिए हमें इजाज़त, आप देखते रहिए मई न्यूज। नमस्कार।